नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो इस चैनल का, और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग में से जितने भी लोग अगर सिक्योरिटी जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उससे पहले क्या क्या तैयारी करना पड़ता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को इंड तक देखें, और अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आप लोग का प्यार मोहब्बत नहीं मिलेगा तो मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा। तो मुझे मोटिवेट होने के लिए या मुझे आगे कुछ ग्रो करने के लिए, एक उत्साह लेने के लिए आपका प्यार बहुत जरूरी है। दोस्तों आते हैं बात पर, मुद्दे पर। जब भी आप कोई एजेंसी पे सिक्योरिटी जॉब आने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है अपना डॉक्यूमेंट्स का, अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना पड़ता है। पहले आज से पहले 10-12 साल पहले क्या था, डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो करना पड़ता था, एक दो डॉक्यूमेंट्स अगर हो जाता तो आप ज्वाइनिंग कर सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि स्कूल का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका दूसरा डॉक्यूमेंट होगा मार्कशीट, वो कंपलसरी आपको जेरॉक्स चाहिए। और एक बात आपको ध्यान रखिए, कहीं पर भी आपको ओरिजिनल सबमिट नहीं करना है। एक बात हमें ध्यान दें, ओरिजिनल सबमिट नहीं करना है। कोई एजेंसी में आपको ओरिजिनल शो के लिए बोलती है, आपको शो करना है, लेकिन जेरॉक्स आपको सबमिट करना है, यह ध्यान रखिए। सर्टिफिकेट की एक कॉपी, उसके बाद मार्कशीट एक कॉपी, दो हो गया। उसके बाद अगर आप आपके पास अगर एडमिट कार्ड है तो भी वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एडमिट 100% जरूरी ऐसे नहीं। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, उसके बाद आपका एक पासबुक जेरोक्स, उसके साथ 8 कॉपी फ़ोटो हमेशा आपके साथ रखें। जब भी कोई आप एजेंसी में जाते हो तो ये डॉक्यूमेंट जो है हमेशा आपके साथ रखें, और हो सके तो आप एक रिज्यूम बना लीजिए। एक रिज्यूम आप अपना नाम पर कहीं पर भी कंप्यूटर सेंटर में जाइए, जहाँ पर सर्वर सेंटर रहता है वहाँ पर आप जाके एक रिज्यूम बना लीजिए। अगर रिज्यूम अगर आप बना लेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका रिज्यूम के साथ पूरा डॉक्यूमेंट्स फाइल रहता है ना, तो क्या होता है वहीं पर आपको 50% आपको सिलेक्टेड चांस ज़्यादा रहता है। अगर आप इससे हाथों में एक दो पेपर लेके जाओगे तो कहीं पर भी आपको सिलेक्टेड होने का चांसेस जो है वहीं पर कम हो जाते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा इसको फाइल करके जब भी कोई सिक्योरिटी एजेंसी में ट्राई करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स विद रिज्यूम के साथ आप रखें, क्योंकि क्या होता है तो वो डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको फाइल के साथ रहता है तो वहीं पर आपका 50% जो मार्क जो है ना आपको मिल जाता है, उसके आगे आप सिर्फ 50% रहता है आपको सिलेक्ट होने के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखिए ये डॉक्यूमेंट्स हुआ। और इसी के साथ साथ आजकल क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एजेंसी लोग मांगते हैं, तो कहीं पर 2000, कहीं पर 3000, कहीं पर 2500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये बात भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको 100% देना पड़ता है। ये क्यों देना पड़ता है मैं इसके लिए बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो लड़के लोग होते हैं गांव से आते हैं, उनको सिक्योरिटी फील्ड का टोटल नॉलेज नहीं रहता है, सडनली आके 2-3 दिन में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद 2-3 दिन ट्रेनिंग करने के बाद उनको ड्यूटी डिप्लॉय किया जाता है। उनको टोटली मतलब दिमाग से थोड़ा मोटिवेट नहीं रहते हैं, तो क्या करते हैं 10-5 दिन ड्यूटी करने के बाद उनको थोड़ा बोर सा होता है या कुछ ना कुछ अजीब सा होता है, वो लोग क्या करते हैं ड्यूटी ड्रॉप कर देते हैं। तो एजेंसी को लॉस होता है ना, क्योंकि एक लड़का को तैयार करने के लिए एक एजेंसी को बहुत सारे समय भी देना पड़ता है, खर्चा भी है, क्योंकि उसके साथ यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड, नेम प्लेट है ना, ये वगैरह वगैरह बहुत जो चीज़ है जो कंपनी को प्रोवाइड कराना पड़ता है। और उसके साथ में ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन में लगभग आपको 6-7 घंटा एक लड़का को ज्वाइन करने के लिए 6-7 घंटा डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ता है। वहाँ पर ऑलरेडी वो लोग का एम्प्लॉय तैयार रहते हैं वो काम करने के लिए, तो ये सारा प्रोसेसिंग चार्ज जो है उन लोगों के लॉस होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, आजकल पॉलिसी निकाला है, पहले जब मैं देखा तो ऐसा नहीं था, सिक्योरिटी डिपॉजिट सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ 10 साल से सिक्योरिटी डिपॉजिट सिस्टम कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको पता नहीं आप सीधे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएंगे और बाद में आपको बोला जाएगा कि नहीं 2500 रुपये सबमिट करो, तो फिर आप बोलेंगे यार पैसा नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा आप कोई भी एजेंसी में, अच्छा एजेंसी में जाने से पहले ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको पैसा देना ही है सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट, वरना क्या होता है आपको फिर एक बार इसके साथ क्या मैं कहना चाहता हूँ, ये पैसा जो है आपको एंड में जब फाइनली आप रिजाइन देके आप जाएंगे तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी आपका पैसा कट होता है वो पैसा आपको फाइनली सेटलमेंट के साथ मिलता है, ये भी याद रखिए। और इसके साथ मैं बोलता हूँ कि सिक्योरिटी जॉब करने से पहले इसके साथ और एक पॉइंट, मैं लास्ट में ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, और चाहे तो मैं और वीडियो एक वीडियो अपलोड करते रहूँगा। हमेशा मोटिवेट होना पड़ेगा आपको, मोटिवेट यहाँ का कल्चर के साथ,
जिस स्टेट में आप आएंगे वहाँ में आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। विदाउट मोटिवेट आप कोई जॉब नहीं कर सकते, कहीं पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी फील्ड है इसमें बहुत तकलीफ है। आसपास जब आप ज्वाइन करेंगे आपको लोग सताएंगे, आपको लोग चिढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आप नए रहते हैं। कोई भी आप अगर आपको कंपनी में डिप्लॉय किया जाए तो वहाँ पर सुपरवाइजर और दूसरा गार्ड लोग जो भी आपको नया नए में थोड़ा काम भी आपको ज़्यादा लगाएंगे, तो अगर उस ये एक ट्रेवल आपको बहुत तकलीफ का ट्रेवल आपको एक दो महीना करना पड़ता है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर ये अगर आपने पास कर लिया तो उसके बाद फिर आपका रास्ता तय होने वाला है। लेकिन अगर बहुत सारे लड़के लोग मैंने देखे हैं उसी में से फेल हो जाते हैं, यानी छोड़ देते हैं या बोलते हैं यार कौन करेगा यार, सुपरवाइजर मुझे ज़्यादा काम देता है, फलाना को नहीं देता, ये सब बहुत सारे जो बात होता है। ये चीज़ ये सिक्योरिटी फील्ड ऐसा फील्ड है, यहाँ पर आपको डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आप डट कर मुकाबला नहीं कर सके इसका मतलब आप यू आर फेल्यूर, आप काम नहीं कर सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका ऐसा मुसीबत आ जाएगी आप आपको छोड़ने का कगार पे आप आ जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना, आपको डट कर मुकाबला मतलब आपको कॉर्पोरेट करना है, जो भी आपको सुपरवाइजर गार्ड हो ओल्ड गार्ड जो भी आपको काम लगाता है आपको आपको आप उसी हिसाब से कॉर्पोरेट से आप ये सोचना पड़ेगा मैं नया हूँ मुझे यहाँ पर फील बनाना है, तो ये लोग जो बोलेंगे मैं ये करना है, क्योंकि जैसे मैं करते एक दो महीना गुजार लूँगा तो फिर मैं इसी के इन लोगों के साथ में मैं फ्रेंड बन जाऊँगा, ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली आप एक दिन आगे बढ़ोगे, सबके साथ आपको फील अच्छा होगा, आपको फ्रेंड बनेंगे, दोस्त बनेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाओगे दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक मेरा चैनल देख लिया तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत माता।